मत और हमारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जब हम मॉक टेस्ट देते हैं। सो मैं डेली एक मॉक टेस्ट देता हूँ और इस सो मुझे देखना है कि मुझे कितने हर्ट मिलते हैं। हम वो भी पढ़ लेना तो भी बहुत बड़ी बात होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी व्लॉग। सो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप जांगड़ा और मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट जींद के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और अभी हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी कर रहा हूं। सो ये मेरा डेली का शेड्यूल है, मतलब आप वीडियो में देखोगे तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे आजकल मैं क्या कर रहा हूं, जो सनराइजिंग है, सनराइज़ होता है, उसको मैं आजकल काफ़ी दिनों से देख रहा हूं। तो भाई रेडी, बिल्कुल खाना खा लिया, खाना पैक कर लिया, अब चलते हैं लाइब्रेरी में। बस अपनी गली में कोई मतलब बाइक वाला आ जाएगा शायद, क्यों भी जद्दवाज जा नहीं रहा मेरे साथ, तो आज अकेला जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपने पिछले कुछ वीडियो में बहुत अपना प्यार दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप आगे भी ऐसे मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि अभी एक महीना लगभग रह गया है एग्ज़ाम का और इस टाइम पे एक अगली वीडियो जो बनाने वाला हूँ मैं, उसमें रहेगा मेरा एक जो टाइम, एक महीने का जो मेरा शेड्यूल है पढ़ने का, उसमें मैं कैसे पढ़ने वाला लदरी टोपी लदरी टोपी। इसलिए कटता भी यू कटा, इसलिए मल्ला वे तो इसलिए थोड़े कटा का यू, इतना मोटा पटाखे बजाओगे हैं। बढ़िया लाइब्रेरी है ना तो मेरा। बहुत तेरी तुम बच गया भी हो। सो ये है हमारे मतलब गांव से 2 किलोमीटर दूर बस स्टैंड है जहाँ पे मैं बस पकड़ता हूँ लाइब्रेरी के लिए। और उसके बाद लाइब्रेरी में आने के बाद आप सब जानते हैं कि जो मेरा शेड्यूल है वो रिवीजन के साथ शुरू होता है। तो ये कुछ बुक हैं और भी हैं इसके अलावा, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखे हैं, नोट्स बनाए हुए हैं। सो इन सभी का रिवीजन मैं करता हूँ बार बार। तो सबसे पहले अभी जो करंट का रिवीजन करना है और उसके बाद साइंस का रिवीजन करना है। उससे पहले एक मतलब आपसे सजेशन लेना है, ये जो बुक है सार संग्रह, वैसे तो मैं ल्यूसेंट फॉलो करता हूँ जीएस के लिए, लेकिन ये बुक मुझे लाइब्रेरी में मिली कल परसों ही। तो यदि आप में से किसी के पास है ये बुक तो कमेंट में वो बता देना कि मतलब कैसी है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो अच्छी लगी, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था कल मैंने इसके बारे में। सो कमेंट में आप लिख देना, ठीक है। सो करंट में मैंने पूरा जो जनवरी 2022 से है उससे लेके अब तक का लिखा हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं करंट के भी, तो उनका रिवीजन मैं सबसे पहले कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरा एक सब्जेक्ट रहता है जो भी मेरा वीक सब्जेक्ट है या मुझे लगता है कि इसका रिवीजन करना चाहिए तो वो मैं कर लेता हूँ। सो आज साइंस का करूँगा, क्योंकि साइंस तो मेरा पहले वीक है। तो साइंस में मेरी कोशिश अब यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाए बार बार, यदि मेरे मान लो 6 क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन ठीक हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए साइंस में। साइंस का यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं वीडियो भी देख चुका हूँ यूट्यूब पे और नोट्स भी मैंने बनाए हुए हैं और रिविज़न भी काफ़ी बार मैं कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं साइंस के। सो अब यही है कि बस जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लेते हैं, आखिरी टाइम रहता है एग्ज़ाम आने में, तो जितने क्वेश्चन ठीक होंगे वो देखा जाएगा। सो मैंने प्रीवियस ईयर लिखे हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी कॉपी में लिखे हुए, तो इन्हीं का मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ। तो रिवीजन करने के बाद फिर बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में मेरा शेड्यूल के अकॉर्डिंग आजकल एडवर्ब चल रहा है। सो मतलब मैंने वीकली शेड्यूल बनाया हुआ है जिसकी जानकारी आपको मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ कि मतलब इस वीक में हमने ये टॉपिक करने हैं, मतलब मैं ये करूँगा, आप यदि मेरे साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। सो टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार देख जरूर आएँ, आपको हेल्पफुल होता है या नहीं, ठीक है, तो उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। बाकी इंग्लिश में बेनिफिट होता है यार जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं बार बार। जीएस के पोर्शन में आजकल मेरा संविधान चल रहा है, क्योंकि आर्टिकल हैं या फिर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनसे कई बार आर्टिकल एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं, तो उनका रिवीजन करना है। और साथ में जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं कॉपी में लिख रहा हूँ, क्योंकि ताकि लास्ट टाइम पे मतलब याद एक बार की जा सकें, रिवीजन लिया जा सके बाद में, क्योंकि अभी तो एक महीना हमारा रहता है एग्ज़ाम का और एक महीना ज़्यादा नहीं है, अब 3 वीक हो गए मुझे ऐसे शेड्यूल बनाते हुए और वो 3 वीक कब गए कहाँ गए पता भी नहीं चला। तो वैसे ही हमारे एक महीना चल जाएगा और खासकर इस महीने तो काफ़ी फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो जितना हो सके उतना ट्राई करने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ।
अब टाइम है मेरे लंच का, और मेरी कोशिश ये रहती है कि लंच से पहले उस ब्रेक को किया जाए जो माइंड फ्रेश होता है, सुबह चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। और लंच के बाद फिर मैं उठाता हूँ मैथ को, क्योंकि मैथ में हमारा दिमाग चलता रहेगा और कंटिन्यूटी बनी रहेगी और नींद भी नहीं आएगी। तो मैथ करने के बाद हालांकि थोड़ा सो लेते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी है मैथ करना। सो शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी मैंने करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। हमें इक्वेशन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि इसके रूट्स बताओ कौन सा है, या फिर जो सम ऑफ रूट्स हैं या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इसका भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो उन्हीं की प्रैक्टिस मैं आज कर रहा हूँ मैथ में। तो सुबह मेरा कुछ जीएस का पोर्शन रह गया था, उसको भी मैं कवर कर रहा हूँ, और इसका जो रिवीजन भी एक बार करना है वो भी मैं कॉपी में मतलब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर इसका एक बार रिवीजन लेना है। और हमारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जब हम मॉक टेस्ट देते हैं। सो मैं डेली एक मॉक टेस्ट देता हूँ और इसकी जानकारी आपको मैं टेलीग्राम के साथ शेयर करता हूँ आपके साथ कि अभी ये मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूँ और मेरे मार्क्स इतने आए इस टेस्ट में, तो सब मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। और अभी मैं एक मॉक टेस्ट मैंने दिया था पहले, और उसका जो ये रिज़ल्ट है मतलब ऐसे सोल्व करता हूँ मैं, एक क्वेश्चन लिख के फिर नंबर लिख देता हूँ, और बाद में फिर उसके जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आए या मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उसको मैंने अलग से कॉपी बना रखी है, इसमें फिर मैं वो सारे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सुबह शाम के भी 4:30 बजने वाले हैं और अभी एक टेस्ट दे के आया हूँ ऑफलाइन, और चाय पी के आए हैं, थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जो टेस्ट के लिए बुक है मेरे पास वो अरिहंत वाली है, उसमें 25 मॉक टेस्ट दिए हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन भी है, एक टेस्ट बुक है और भी है वो। और अभी मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ टेस्ट वाले जो मुझे नहीं आए हैं या मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उनको लिख रहा हूँ। और उसके बाद फिर बारी आती है हमारी हरियाणा जीके की, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेली मतलब 3 चैप्टर में करता हूँ रिवीजन करता हूँ हरियाणा जीके का। और मेरे पास बुक आप जानते हैं कि अरिहंत वाली छोटी सी बुक है, इसी को मैं बार बार पढ़ता हूँ, लगभग 7 से 8 बार इसको पढ़ चुका हूँ। और बाकी जो क्वेश्चन हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के वो भी मैंने नोट किए हुए हैं, तो इन सब का कम्बिनेशन मुझे लगता है कि ये बुक सफिशेंट है हरियाणा जीके के लिए। सो अभी शाम के 7 बज चुके हैं और आप देखिए अंधेरा कितना हो चुका है। तो हमारे गांव का एक लड़का और आता है लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, तो उसके साथ में अभी मैं जाऊँगा। हालांकि यदि वो नहीं आता तो काफ़ी मुश्किल होता मेरे लिए घर जाना, क्योंकि इस टाइम पर गाँव का जो एरिया है वहाँ तो बस चलती नहीं है रात को। तो अब घर जाते ही अपना फिर खाना खाएंगे, क्योंकि भूख लगी हुई यार, दिन में भी मैं 2 रोटी लेके आता हूँ लंच के लिए, तो अभी मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर थोड़ा और काम करेंगे। शायद घर वाले पहले ही खाना खा चुके हैं सभी, और मेरे लिए ये सब्ज़ी रख रखी है थोड़ी सी, और इस जगह में आप देख रहे हैं दूध रखा है और यहाँ रोटी रखी है, तो चलिए मैं भी अभी खाना खाता हूँ। आज तो पता नहीं क्या बात हुई, मतलब भूख इतनी लगी हुई है कि मतलब आते ही लाइब्रेरी से आते ही मैंने खाना खाना शुरू कर दिया था अपना। सो यदि आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना कमेंट में सजेशन देने के बाद हर्ट का जो सिंबल होता है ना वो ज़रूर दिखाना। सो मुझे देखना है कि मुझे कितने हर्ट मिलते हैं। खाना खा लिया और थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर टाइपिंग करने जाऊँगा दुकान में। सो आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि जो भी हमारा टाइम टेबल होता है यदि हम वो भी पढ़ लेना तो भी बहुत बड़ी बात होती है, और यदि और मन करे या कुछ और एक्स्ट्रा करना हो तो आप कर सकते हैं। मेरा जो शेड्यूल है पढ़ने का उसके अकॉर्डिंग मैं अभी चल रहा हूँ, और आई होप आप भी उसको शेड्यूल को फॉलो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। और बाकी देखो ऐसा है, तैयारी तो करनी है, देखो आज नहीं तो कल का। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन मिला होगा। सो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपके दोस्त हैं उनसे इस वीडियो को शेयर करें, और सो मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू। जो भी आपके सुझाव हैं या क्वेरी हैं आप हमें कमेंट के जरिए या टेलीग्राम के जरिए मेरे पास दे सकते हैं। थैंक यू।